आपके पास कैस्ट्रोल का ऑयल कूपन है जिसको आप बैंक अकाउंट में विड्रॉल करना चाहते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप कैस्ट्रोल का जो कूपन होता है उसको कैसे स्कैन करें और उसका जो पैसा है उसको कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। वो आज के वीडियो में आपको बिट प्रूफ के साथ सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम आगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, साथ ही में आप बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं कैस्ट्रोल फास्ट स्कैन एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि इसी एप्लीकेशन की मदद से हम यहाँ पर कैस्ट्रोल कूपन को स्कैन करेंगे और बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। इसको ओपन करने के लिए सिंपल सा ये कैप्चा जो लिखा है यहाँ पर टाइप करके मैं वैलिडेट कैप्चा पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं मैं यहाँ पर जो है एप्लीकेशन में एंटर हो चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको कूपन स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्कैन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कूपन को स्कैन कर लेना है। तो मैंने जैसे ही कूपन को स्कैन किया आप देख सकते हैं कूपन रिडीम सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, यानी यहाँ पर मैंने सिर्फ 10 रुपये वाला कूपन को स्कैन किया और यहाँ पर इसने मुझे 15 रुपये दे दिए हैं जो कि मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और कैसे ट्रांसफ़र होंगे वह मैं आगे आपको बताऊँगा। देखिए मैं इस कूपन को जो है दोबारा से रिडीम करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए मैंने फिर से स्कैन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पहले बता देता है कूपन पहले ही रिडीम हो चुका है। तो यदि आपको ऐसी प्रॉब्लम हो कि ऐसा मैसेज हो तो आप समझ जाना कि यहाँ पर जो है आपका कूपन पहले ही रिडीम कर लिया गया है। बाकी का मिनी रिपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी पेमेंट की स्थिति चेक कर सकते हैं। प्रोसेसिंग में लिखा है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग लिखा है स्टेटस, यानी ये अभी सक्सेस नहीं हुआ है, यानी ये पैसा अभी मुझे नहीं मिला हुआ। तो मैं ये चेक करने के लिए पेटीएम में आता हूँ, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ क्या मुझे अभी पैसा मिला है नहीं मिला है। तो मैं पेटीएम में, लेकिन देखिए यहाँ पर मुझे अभी पैसा नहीं मिला है। तो पैसा जो है कितने दिनों में आपको मिलेगा कैस्ट्रोल का कूपन स्कैन करने के बाद, तो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 से 3 दिन का वेट करना है। 2 से 3 दिनों के अंदर आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट में जो है पैसा जमा कर दिया जाता है। यदि आपको पैसा नहीं मिलता है तो दोस्तों आपको एक नंबर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप कॉल करके अपने समस्या का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ अपना पेटीएम, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने पेटीएम पेमेंट बैंक को ऐड किया था। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 दिन बाद फिर से चेक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से मुझे 15 रुपये का पैसा मिल चुका है, यानी 15 रुपये की पेमेंट मिल चुकी है और आप यहाँ डेट एंड टाइम मिला सकते हैं। सुबह 5:25 पर मुझे ये पेमेंट मिल चुकी है। तो यहाँ पर समथिंग 2 दिन लग जाता है पेमेंट आने में, बाकी आपको यहाँ पर पेमेंट 100% मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके आज के इस वीडियो में आप सीख गए हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर कूपन का स्कैन करना है, किस तरीके से विड्रॉल करना है, कैसे आपको पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए जय हिंद।